और सदके पलों में कई जीवों में जान फूकी है। जरा अपने दायरे से बाहर निकल कर देखिए, दुनिया की हजारों ऐसी प्रजातियां हैं जिन तक सिर्फ नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी चैनल वाले ही पहुँच सकते हैं। इन प्रजातियों का जिक्र किताबों में मिलना भी मुश्किल है। कुछ महासागर की गहराइयों में पाई जाती हैं तो कुछ घने जंगलों के बीच बसी हुई हैं। ऐसी ही दुर्लभ जीवों की सूची आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ओकापी। ओकापी एक अफ्रीका के एट्रू वर्षावन में पाया जाने वाला एक जीव है। ये जिराब का सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है, क्योंकि अक्सर इसकी शरीर की बनावट है वो जिराब से मिलती हुई है। ओकापी की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह उससे अपनी आंख और कान भी साफ कर सकता है। तेंदुआ इनका परभक्षी होता है तथा इनके बड़े कान उससे बचने में इनकी मदद करते हैं। ओकापी की लंबाई लगभग 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक होती है और ऊंचाई लगभग 2.5 मीटर से 1.5 मीटर तक। सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे हम अफ्रीका में पाए जाने वाले ओकापी की। ओकापी अफ्रीका में पाए जाने वाला एक ऐसा जीव है जो कि जेब्रा का करीबी रिश्तेदार माना जाता है, क्योंकि इसके शरीर पर भी जेब्रा जैसी लाइंस पाई जाती हैं। ओकापी की जीव इतनी लंबी होती है कि उससे वह अपनी आँख और कान भी साफ कर सकता है। तेंदुआ इनका परभक्षी माना जाता है तथा इनके बड़े बड़े कान होते हैं जो इनको तेंदुए से बचने में मदद करते हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम समुद्री सुअर। आपने आप लोगों ने बहुत से पक्षी देखे होंगे, लेकिन आज को ज्यादातर लोग इस पक्षी के बारे में स्कोटोप्लांस के नाम से भी बहुत अलग है, क्योंकि किसी मगरमच्छ का शिकार भी आसानी से कर सकता है। 1000 मीटर की गहराई में आज पाए जाते हैं। लाखों साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज भी खतरनाक पक्षी हमारे बीच में मौजूद है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कौन सा पक्षी है जो इतना खतरनाक है। यह कोई और नहीं बल्कि सुबिल है। यह एक ऐसा पक्षी है जो बेहद ही खतरनाक माना जाता है। आखिर इस पक्षी का नाम इसकी चोंच के कारण ऐसा रखा गया है, क्योंकि इसकी चोंच की जो बनावट होती है वह एक जूते के समान होती है और यह बहुत ही बड़ी और मजबूत दिखाई देती है। अगर इस पक्षी की लंबाई की बात करें तो ये लगभग 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये पक्षी पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। दिखने में बहुत ही सुंदर इन पक्षियों का शरीर स्लेटी कलर का होता है। इसके पैर काफ़ी लंबे और मजबूत होते हैं। इनके शरीर में सबसे अलग दिखने वाली चीज़ इनकी चोंच होती है, जो दूर से जूते के समान दिखाई देती है और साथ ही ये साथ बहुत बड़ी भी दिखाई देती है। इस पक्षी की एक और ख़ास बात यह भी है कि ये पूरे दिन यानी कि पूरे 24 घंटे से ज़्यादा समय तक सिर्फ एक ही जगह पर बिना हिले खड़े रह सकते हैं। इसी वजह से इसे स्टैचू बर्ड भी कहा जाता है। इस पक्षी की इस खासियत के कारण पहली बार इसे देखने वाले इसे पत्थर की एक मूर्ति भी समझ लेते हैं। ये पक्षी गिरगिट, चूहा, जहरीले सांप और यहाँ तक कि मगरमच्छ को भी अपना शिकार आसानी से बना लेते हैं। जहाँ ये पक्षी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ छोटे बच्चों को इनके आसपास अकेला नहीं जाने दिया जाता है। यह अपने शिकार की तरफ अचानक तेजी से भागता है और शिकार को जब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वह अपने प्राण नहीं मर नहीं जाता। यह पक्षी चोंच से अपने शिकार के कई टुकड़े कर डालता है। इस पक्षी की और एक खास बात है, सुबिल जब बच्चों को जन्म देती है तब इसके बच्चे लगभग 3 महीने तक सही से उड़ भी नहीं पाते हैं और शिकार भी नहीं कर सकते। इसलिए सुबिल अपने बच्चों के लिए भोजन लेने इधर उधर जाती है, लेकिन पीछे से इसके बड़े बच्चे बाकी छोटे बच्चों को मारकर खा जाते हैं। तो क्या आज से पहले आपको इस पक्षी के बारे में पता था? अगर नहीं पता तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं आगे एक और अजीबोगरीब छिपकली की। जी हाँ, जिसका नाम है थॉर्नी ड्रैगन। यह छिपकली आसानी से रेगिस्तान की मिट्टी में छिप जाती है। अधिकांशतः ये रेतीली जगहों पर पाई जाती है।
इसका एक नकली सिर भी होता है जिसे ये लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करती है। थॉर्नी लिजर्ड अपने पूरे जीवन में कभी भी पानी नहीं पीती है, बल्कि वह अपने शरीर पर बने हुए कांटों से वातावरण की नमी को सौंप कर उसे पानी में बदलती है और उसे ही अपने लिए इस्तेमाल करती है। जी हाँ, एक ऐसा और भी जीव है जो अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है। गोरिल्ला भी एक ऐसा जीव है जो कभी भी अपने पूरे जीवन में पानी नहीं पीता है। आगे और बात करते हैं तो एक समुद्री जीव के बारे में बात करते हैं। समुद्री पानी में एक ऐसी मछली भी है जिसके दांत ठीक अपने जो इंसान होते हैं उनसे ही मिलते जुलते हैं। यह विचित्र चिपक मछली ब्राजील, साउथ अमेरिका, फ्लोरिडा में पाई जाती है। इन दांतों को देखकर ऐसा लगता है कि ये शाकाहारी हैं। इनका वजन 55 पाउंड तक हो सकता है और लंबाई 3 फीट तक हो सकती है। पेको बहुत कुछ मछली की पुराना जो प्रजाति है से समानता रखती है, लेकिन उनके दांत अधिक चौकोर होते हैं। इनके दांत एक रोम मतलब कि लाइन में लगे होते हैं। यदि एक भी दांत गिर जाए तो बाकी दांत भी गिर सकते हैं। यदि पेको के दांतों का गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि यह कुछ इंसानों जैसी मुस्कुराती होंगी। आगे चलते हैं तो एक और मछली के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ग्लोकस अटलांटिकस फिश। हालांकि इसको कुछ लोग मछली नहीं मानते बल्कि इसे ब्लू ड्रैगन कहते हैं। यह बहुत ही छोटी ऐसी मछली की तरह है जो कि ड्रैगन जैसी दिखाई देती है। आप इसे अपनी हथेली पे रख सकते हैं। इसके सिर से लेकर पूंछ तक काले पट्टे बने होते हैं और ड्रैगन जैसी आँखों पर ही यह पट्टियाँ दिखाई देती हैं। इसका बाकी का हिस्सा इसका ही ब्लू होता है। कहते हैं कि इसके पेट में से गैस भरे होने के कारण ये समुद्र के गुनगुने पानी की सतह पर तैरता दिखाई देती है।